आज रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्कृति पार्टी द्वारा विशाल दंगल एवं जनसभा आयोजित की गई। देखिए खबर। नमस्कार, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आपका हमारे समाचार भारत वर्ष में। और जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, आज हम अपनी टीम के साथ कानपुर के रसूलाबाद में मौजूद है, जहां पर विधानसभा प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय संस्कृति पार्टी के। और जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, आज यहाँ पर जनसभा संबोधित हो रही है, इसके पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और दंगल का प्रोग्राम रखा गया है और साथ ही चुनाव का अपने प्रचार भी कर रहे हैं। आप आइए, आपको अंदर ले चलते हैं कि किस तरह सभा संबोधित हो रही है। और ये हमारे पीछे ठीक पीछे यहाँ पर दंगल का प्रोग्राम रखा गया हुआ है और अपनी टीम के साथ हम मौजूद हैं। राष्ट्रीय संस्कृति पार्टी करके इन्होंने अपनी एक पार्टी चालू करी है और ये उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं, अपने कई जगह प्रत्याशी उतारेंगे 2022 के चुनाव में। आइए, जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, काफ़ी अधिक मात्रा में लोग इकट्ठा हुए हैं। ये रसूलाबाद 205 विधानसभा के अंतर्गत ये क्षेत्र पड़ता है और जैसे कि आप पीछे हमारे देख रहे हैं का माहौल है और दंगल का प्रोग्राम यहाँ पर आज रखा गया है। और इसी बीच में साथ ही जो राष्ट्रीय संस्कृति पार्टी के पदाधिकारी हैं वो संबोधित कर रहे हैं। आइए चलते आगे, उससे आप उनको भी बात जैसा कानपुर सेंटर पे बैठा है, क्या बात है दोस्त, शाबाश सर, शाबाश जान। ऐसे बहादुरों की जरूरत थी दंगल में, जैसे श्री राम जैसे महायुद्ध योद्धा आज दंगल में आए हुए हैं दोस्त। पन्ना को तमन्ना थी कि मुझे हीरा मिल जाए और हीरा को तमन्ना थी कि मुझे श्री राम जैसा छोड़ मिल जाए। स्वागत करे हमारी जनता जनार्दन, शाबाश। ये देखिए लेडी का लगा दिया है जवानों ने, क्या बात, आज श्री राम पहलवान। इस बार तो हमने चक्कर में पड़ चुके हैं श्री राम से, अरे भादुर, ये ऐसी कुश्ती है जो दिलों को हिला देने वाली कुश्ती है दोस्तों। हाउस के दंगल में बहुत ही शानदार कुश्तियां होंगी दोस्तों। ये हमारे अपने बारे में और अपनी पार्टी के बारे में पूरी जानकारी दे जनता को। जी, मैं आज जो है अभिनय शर्मा के द्वारा किया गया कार्यक्रम राष्ट्रीय संस्कृत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विपिन पाल जी और मैं राम सुरेश कोरी हूँ, जो मैं राष्ट्रीय संस्कृत पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं रसूलाबाद विधानसभा का प्रत्याशी भी हूँ। 2022 में आपकी पार्टी किन किन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही उत्तर प्रदेश में? 2022 में हमारी 403 विधानसभाओं में हमारी पार्टी लड़ाने का काम कर रही है। तैयारी आपकी चल रही है? पूरी तैयारी चल रही है जी। आपकी पार्टी क्या मोटो लेकर उतरी है प्रदेश में, किन किन क्षेत्रों में काम करेगी? ये पूरे उत्तर प्रदेश में काम करेगी, लेकिन हमारी पार्टी इस मुद्दों पे उतरी है जी कि जैसे गरीब व्यक्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा और जो बेरोजगारी चल रही है देश में, इसके लिए हम लोग सर्वप्रथम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के साथ पब्लिक का ये काम करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। और 2022 में 403 सीटों पर लड़ाना ही नहीं है, जिताने का भी काम करना है और जिताने का काम भी नहीं करना है बल्कि सरकार बनाने का काम करना है हमको। ये राष्ट्रीय संस्कृत पार्टी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विपिन पाल जी रात दिन एक किए हुए हैं, हम भी पूरे प्रदेश में दौड़ रहे हैं। माननीय हमारे गौरी शंकर जी महासचिव हैं, ये भी पूरे मतलब उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और रसूलाबाद की इस धरती पर माननीय हमारे अभिनय पंडित अभिनय शर्मा जी का मैं चरण वंदन करता हूं, जो आज के तारीख में मुझे इस धरती पर इस जनता के बीच में उपस्थित किया है। मैं उनको चाहता हूं, उनके चरणों पर अपना सर्वमस्तक नमन करते हुए मैं उनकी एक आशीर्वाद की कामना के साथ मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। और मैं जानता हूं कि यहां की जनता आज के इस कार्यक्रम से और हमारे पहलवान जो हैं ये सारे लोग मिलकर हमको जिताने का काम करेंगे और हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास का काम करेंगे और दुख सुख में काम आएंगे। जैसा कि आपने अभी जानकारी दी कि आप रसूलाबाद क्षेत्र चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो इस क्षेत्र में आपको किन किन जगह पे क्या क्या कमी लग रही है, उस कमी को किस तरह से पूरा करेंगे, जनता आपको ही क्यों चुने, इस बारे में थोड़ा सा बताइए जी। अब हम इस बारे में बिल्कुल बताएंगे, इसीलिए तो हम उतरे जी। हम चाहते हैं कि इसमें रसूलाबाद में कमी क्या, कमी सारी कमियां हैं जो सरकारें पीछे आई, जैसे रोड, सरकार तो दावा करती है कि गड्ढा मुक्त है उत्तर प्रदेश,
लेकिन मैं तो सड़कों पे रात दिन रहता हूँ, इस गांव में मैं आया हूँ, कहीं ऐसी रास्ता नहीं है जो आप लोग खुद देख रहे हैं कि एक ऐसी रास्ता है, पैदल चलना मुश्किल है। और दावा सरकार बहुत करती है, तो ये सब इनके बतौलेबाजी है, काम धरती पर इनका कोई भी योजना नहीं। गाँवों में लोग तो, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है ये, यहाँ आप देख रहे हैं कि इस तरह का है कि कहीं शिक्षा का, रोजगार का और रास्ता का, पेयजल का, कहीं भी कुछ भी नहीं है। यहाँ लोग बीमार हो रहे हैं। और कि आपका कहना है कि जनता अगर आपको चुनती है जी, तो आप शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में जी, सड़क सब पे काम करेंगे जी जी जी। भैया थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम विपिन पाल है जी। मैं राष्ट्रीय संस्कृति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आप सभी लोगों का हाथ जोड़ करके बहुत बहुत आभारी हूँ। थोड़ा सा अपने पार्टी के बारे में बताएं कि किस तरह से आप आगे काम करेगी या कर रही है अभी, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। हमारी पार्टी आज के समय में यूपी की 403 विधानसभाएं हैं, जिनमें कि पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ता नामित किए जा रहे हैं और लोगों से मिलजुल करके अपने प्रत्याशी जिताने के लिए आग्रह किया जा रहा है और लोगों से वादा किए जा रहे हैं कि जो वादा कर रहे हैं हम वो करके दिखाएंगे। जैसे कि आज हमारे प्रदेश में बहुत दयनीय स्थिति है, वो किसी भी मामले में आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, रोड की हो, नाली हो, खरंजा हो, बेरोजगारी तो चरम पर है। हमारे प्रदेश की जनता त्राही त्राही बोल रही है, ऐसी त्राही से हम मुक्ति दिलाने के लिए सभी से आग्रह करते हैं, पूरे विश्वास के साथ यदि राष्ट्रीय संस्कृति पार्टी की सरकार सब लोग मिल के बना रहे हैं तो इन सब समस्याओं से हम बिल्कुल निवृत्ति दिलाएंगे, पूरे होश हवास के साथ हम काम करेंगे। हम आज जन जन से मिल रहे हैं जो लोगों ने आज इस प्रदेश में जाति पात, ऊंच नीच और छुआछूत का भेदभाव फैला रखा है, हमें वो सब खत्म करके दिखाना है। हम इस तरीके से हर समाज के लोगों से मिल रहे हैं, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी गरीब अमीर हर तरीके के लोगों से मिल रहे हैं और सबको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी मामले में कहीं पर कमजोर नहीं हो। जैसे कि लोग बता देते हैं कि आप कमजोर हो, आपकी आर्थिक स्थिति कम है, कमजोर है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसे लोगों को हमें आगे बढ़ा के लाना है। ऐसे जो बेरोजगार लोग हैं उनको हमें रोजगार के लिए आकर्षित करना है कि आप क्या रोजगार करो जिससे कि आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सको। लोगों के सामने जो आप हाथ फैलाने का काम करते हो इसे हमें खत्म करना है। अभी कुछ देर पहले राष्ट्रीय संस्कृति पार्टी के अध्यक्ष और जो उसके पदाधिकारी उनको सुन रहे थे, उन्होंने दावे किए हैं कि वो रसूलाबाद विधान क्षेत्र में हर क्षेत्र में विकास कराएंगे, चाहे वो पानी की हो, चिकित्सा की हो, शिक्षा का भाव हो या सड़कें हो, वो हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और जितना उनसे हो सके उतना ज़्यादा वो काम कराएंगे। वो बोल रहे हैं ना कि सिर्फ वादे नहीं करेंगे, वादे करके उसको निभाएंगे भी। अगर रसूलाबाद की जनता उनको चुनाव में चुनती है और उनको विजयी बनाती है तो वो अपने हर वादे पूरे करेंगे।